भाले हुए और जितने भी हैं पंजाब के अंदर जिंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं उन तमाम के ऊपर वो तालीम की सहूलियात हो जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो सेहत की सहूलियात हो दवाइयों की कमी हो नए जो हस्पताल हैं उनका क्याम हो पुराने हस्पतालों को रिवैम्प करना हो कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाकयात होते हैं उसकी बात हो हर एक चीज़ के ऊपर एक हफ़्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ आ, आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है बल्कि एक पैशन और एक जज्बा भी इस वक्त पंजाब की जितनी मशीनरी है उसके अंदर पंजाब की जितने भी इदारे हैं उनके अंदर वो मौजूद है मैं आज सिर्फ दो तीन चीजें जो है वो उसके ऊपर आपसे को हाईलाइट करके उससे बात करना चाहूंगी पहली तो जितने भी वाकयात हो वो आ, बेशक डोर फिरने का वाकया हो किसी बच्चे के उप, किसी के जो है वो जिसम के ऊपर किसी खातून के साथ जो है तेजाब गर्दी का वाकया हो किसी घरेलू मुलाजमा को तशद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो तमाम एक चीज़ों के ऊपर वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जीरो टॉलरेंस है और इससे पहले कि वो चीज़ें रिपोर्ट हों इससे पहले कि वो चीज़ें जो है वो मीडिया पर आए या वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मीडिया को हकूमत की तोज्जो दलानी पड़े उससे पहले वजीर अली पंजाब उसके ऊपर ना सिर्फ खुद रिपोर्ट भी मांग लेती हैं और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितने भी वाक्यात मैंने आपको बताए वो बेशक इछड़ा के अंदर या कसूर के अंदर डोर फिरने के वाकत थे या सरगोदा के अंदर घरेलू मुलाजमा को जान से मार देने का वाक़ है या एक खतून के ऊपर जो है वो तेजाब गर्दी का वाकया है तमाम के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुलजमान गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इसकी तमाम रिपोर्ट वजीर अला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही है और इसको देख भी रही है जो अशियादो नोश है आपको पता है कि रमजान की आमद है और रमज़ान के आने आते ही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक महंगाई का एक तूफ़ान आता है जो एज अ मुसलमान आना तो नहीं चाहिए बट आता है और तमाम इंतज़ामिया की दौड़े लगती हैं जब रिपोर्ट किया जाए कि फ़लानी चीज़ कम हो गई है फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ गई है और फिर वो एक महीने की एक्सरसाइज होती है और बाद ख़त्म हो जाती है इस दफ़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उनका विजन है और जो उन्होंने एक बहुत लैंडमार्क काम किया है वो ये है कि उन्होंने पांच दिन के अंदर अंदर आज से तीन दिन पहले उन्होंने पांच दिन के अंदर अंदर एक नया महकमा या अथॉरिटी जो है वो भी नई बनाने की बात की है जिसका पूरा फोकस सिर्फ अशियाए खुरदोनोश और जो होर्डिंग हो जाती है जो आ, लोग चीजें छुपा लेते हैं और जखीरांदोजी करते हैं जिससे फिर उनकी कीमतों में इजाफा होता है उन तमाम के ऊपर जो है वो चेक रखने के लिए एक नया महकमा और एक नया नई अथॉरिटी जो है वो कायम करने की मंजूरी दी है और इसके ऊपर इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर आपको आ, वो सब होता हुआ नजर आएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है रमज़ान पैकेज के हवाले से इंशाल्लाह उसकी डिटेल से आ, मैं आपको आगाह करूंगी कि चौंसठ लाख खानदान सिक्सटी फोर मिलियन जो फैमिलीज़ हैं और अगर पाकिस्तान के डाटा के साथ देखा जाए तो छः पाँच से छः लोग पर फैमिली डाले जाएं तो तीन करोड़ के करीब ये लोग बनते हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा उनके घरों के ऊपर रमजान पैकेज के जो पैकेट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे कोई लाइन नहीं लगेगी किसी को इंतजार नहीं करना किसी को जो है वो आ, खड़े होकर अपने लिए अपनी इज्जत नफ्स को जो है वो मजरू नहीं होने देना उनका ख्याल रखते हुए वजीर अला पंजाब साहिबा ने यह प्रोग्राम बनाया है कि ये हैम्पर्स जो हैं रमजान के निगबान पैकेज रमजान का नाम दिया गया है इसको ये उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है इसके ऊपर डिटेल से इन मैं आपको आने वाले दिनों में आगाह करूंगी लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक खबर भी चल रही थी कि शायद रमजान बाजार नहीं लगने जा रहे ऐसा नहीं है सस्ते रमजान बाजार इसके इन एडिशन है इन गिफ्ट के इन रमजान हैम्पर्स के अलहदा से जो रमज़ान बाजार की एक रिवायत है उसको बनाया जा रहा है बल्कि पंद्रह ऐसे डिस्ट्रिक थे जहां पर रमजान मॉडल बाजार नहीं हुआ करते थे वजीर अला पंजाब साहिबा ने उसकी भी मंजूरी दे दी है अब कोई डिस्ट्रिक ऐसा नहीं होगा जहां पर मॉडल रमजान बाजार नहीं लगेंगे और अशियाए खुरदो नोश जो है वो सब्सिडाइज कीमत के ऊपर नहीं मिलेंगी दूसरा एक सबसे अच्छा काम जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ हम बड़े शहरों में रहते हैं हम अच्छे पौश इलाकों में रहते हैं और पौष इलाकों की सफाइयाँ भी हो जाती हैं पौष इलाकों के अंदर जो है वो कूड़ा उठाने का निज़ाम भी होता है नहीं होती तो गरीब के गली मोहल्ले की सफाई नहीं होती नहीं होती तो गरीब के गांव की सफाई नहीं होती मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस दिन ओथ लिया उसके अगले ही दिन उन्होंने जो पहला हुक्म सदर फरमाया वो एक महीने का डेड लाइन थी एक महीने के अंदर अंदर उनका हुक्म है कि पंजाब के अंदर जितने गाँव हैं जितने देहात हैं जितने शहर हैं उन तमाम की जो सफाई है वो एक महीने के अंदर उसको मुमकिन बनाया जाए अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तेजी से कूड़ा करके उठाने की मुहिम पे काम हो रहा है और लोग कितने खुश हैं इस हवाले से जब उनके घरों के सामने से वो जो कूड़े के पता नहीं कितने सालों से ढेर लगे हुए हैं उस कूड़े को साफ किया गया है और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके अंडर फोकल पर्सन जो हैं वो भी बना दिए गए हैं और वो डेली की बुनियाद पर वज़ी अला पंजाब साहिबा को वो इसके ऊपर ब्रीफ़ करेंगे उनको रोज़ इस बारे में रिपोर्ट दी जाएगी कि आज जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी रिपोर्ट क्या है मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रा चलाएं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स की जो रिपोर्ट अभी तक पहुँची हैं वो कुछ उसके अंदर से मैंने बिकॉज बहुत सारी तो आपके साथ शेयर करना शायद वक्त की वजह से भी मुमकिन नहीं होता मैं आपको ये ये ज़रा प्लीज़ देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चलाओ ये देखिए ये बिफोर और आफ्टर दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं और ये कल रात तक की रिपोर्ट है अभी बहुत सारे आ, इलाकों से आज भी रिपोर्ट आएगी और ये वो इलाके हैं जहाँ पर आ, आ, शायद आ, किसी की नजर पहले नहीं पड़ी थी लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वजीरा पंजाब साहिबा का ये विजन है कि साफ सुथरा पंजाब जो है ये उनके विजन का एक हिस्सा है और ये दिहाड़ी है जो आप देख रहे हैं इसके साथ साथ आ, अटक चकवाल इवन आ, जो आ, हमारा जनूबी पंजाब है वहां से भी ये पीर मुराद है जी आ, ये भी पंजाब का एक हिस्सा है बिफोर और आफ्टर आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये टन के हिसाब से टनों के हिसाब से ये कूड़ा करकेट जो है ये आ, किया जा रहा है हाफजाबाद चलाएं जी हाफजाबाद चल गए हाफजाबाद चलाएं, और इसमें तमाम जो इंतजामिया है वो आ, 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 उनकी बाकायदा तौर पर वजीरा साहबा खुद निगरानी भी कर रही हैं और ये रिपोर्ट्स डेली की बुनियाद पर उनको पहुंचाई जा रही हैं हम मरियम नवाज साहिबा का विजन है बातें नहीं काम करते हैं और इस वक्त किसी भी इदारे को किसी गफलत की किसी कोताही की उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और इसीलिए यह काम पहले भी हो सकते थे यह काम पांच साल पहले भी हो सकते थे नहीं हो सके बिकॉज विजन नहीं था बिकॉज किसी को आम आदमी की परवाह नहीं थी अब वो क्यादत मौजूद है पंजाब के अंदर जो हर तरह की सफाई करेगी इसको बेटे बंद कीजिए दूसरी सफाई जो होगी वो है इस सूबा पंजाब से उस वायलेंस की जो खुतिन के खिलाफ होती है और ये वायलेंस जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर और ये भी आपको याद होगा कि वजी अला पंजाब साहिबा ने जब अपनी पहली स्पीच फरमाई थी आ, पंजाब असम्बली के अंदर उन्होंने कहा था कि औरतों के खिलाफ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन होगी उसको बिल्कुल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वजी अल पंजाब साहिबा की विजन के मुताबिक जो सेफ सिटी अथॉरिटी है हमारी उसने एक एक नई एप जो है वो बनाई है जिसका इन मार्च को जो खातन का आलमी दिन है उसके ऊपर उस एप का फिताह करेंगी और उस एप का जो है, नाम है नेवर उसके ऊपर जो हरासमेंट या वॉलेंस होती है अगेंस्ट वो चाइल्ड अब्यूज के के केसेज हैं जो रेप है सॉडमी केसेस के केसे हैं ये तमाम इस आ, जो है वो आ, इस एप के जरिए रिपोर्ट किए जाएंगे और इसका बाकायदा एक पूरा मैकेनिज्म होगा जो इन शाह तला आठ मार्च को जब वजी अला पंजाब साहिबा उसका खताह फरमाएंगी तो आ, वो आपको आ, इसके बारे में बताया जाएगा वायलेंस का जो हरासमेंट और वायलेंस के जो है वो डेस्क हर एक आ, जो आ, पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर बनाए जाएंगे उसके बाद रीएक्टिविट रीएक्टिविटेशन की जाएगी जो हरासमेंट और वायलेंस के सेल्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो डेस्क हैं वो लहैदा होंगे सेल्स अलहदा से बनेंगे उसके बाद स्पेशल जो है वो फोकस होगा हॉट स्पॉट ऐसे कौन से हैं जहां पर ये वायलेंस के या हरासमेंट के वाकयात ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं ये एक बहुत साइंटिफिक और एक मॉडर्न तरीकाकार है कि मैपिंग की जाए कि ऐसे वाकयात या ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट या जगहें हैं जहां पर ऐसे वाकयात ज्यादा हो रहे हैं उसको देखा जाएगा फिर डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो कॉल जाती हैं 15 के ऊपर आ, वो उसको जो है वो ये सेफ्टी ऐप के साथ लिंक किया जाएगा और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो डैशबोर्ड के ज़रिए उन कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और उसके रिड्रेसल से लेकर उस खातून को इंसाफ मिलने तक वजीर अला पंजाब की तमाम टीम जो है वो उसके पीछे खड़ी होगी रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इन कॉल्स वो क्लोजली सीएम साहिबा खुद मॉनिटर करेंगी वो कॉल कितने बजे आई उस खातून को जो प्रॉब्लम था उसका एड्रेस कितनी देर में हुआ इसको खुद जो है वो वर्दी सी एम इसको खुद देखेंगी उसके बाद जो ऑल जो मॉनिटरिंग है सीपीओ के जो